झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड कर्ज लेकर घी पी रहा है। पिछले कई सालों से झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम का राजस्व पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हो रहा है। मैन पावर की भारी कमी वितरण निगम लिमिटेड के लिए कोढ़ का खाज साबित हो रहा है। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड विभिन्न माध्यमों से हर महीने 375 करोड़ रुपए की बिजली खरीदता है, लेकिन राजस्व महज 240 करोड़ रुपए ही आ पाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है राजस्व वसूली को लेकर बिजली वितरण निगम लिमिटेड का ढुलमुल रवैया। कई एरिया बोर्ड में वितरण निगम ने बिजली बिल वितरण के लिए आउटसोर्स एजेंसियों को जिम्मा दे दिया है, लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसियां यह जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रही। जैसे डिसकनेक्शन से है, हम लोग लाइन डिसकनेक्शन इसके लिए करवाते हैं, लोग पैसा भी जमा करते हैं, लेकिन जो 2018-17 या उससे पहले का जो भी ड्यूज था वो अभी तक जमा नहीं कर पा रहे लोग। हम लोग सर्टिफिकेट केस भी कर रहे हैं ताकि वो पैसा रिकवरी हो जाए। प्रॉब्लम है कि मेन पावर कमी है, एक्सपर्ट नहीं है, यहाँ जो भी है हम लोग का मेन डेज है, मेन डेज उतना सक्षम नहीं है। हमारा पदाधिकारी और जो भी परमानेंट कर्मचारी है उसको ही मैंने करने में दिक्कत हो रहा है। मेन डेज कुछ भी कहिए वो अपना धुन में लगा रहता है। हमारा जो कर्मचारी पदाधिकारी है वो चाहता है कि मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन हो, चोरी पकड़ाए, लेकिन मेन पावर कम होने के चलते लोग पकड़ नहीं पा रहा है। राज्य की नई सरकार को खजाना खाली मिला है, लिहाजा बिजली संकट के पीछे एक बड़ी वजह बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का बकाया है। मौजूदा सरकार इस चुनौती से जूझ रही है, लेकिन समस्या का कोई निराकरण फिलहाल नहीं दिख रहा। उपभोक्ताओं के बिजली का जो वो अपना जितना कंज्यूम करते हैं उतना बिजली का पैसा वो देते हैं। अगर उसमें कमी है कलेक्शन में तो यकीनन जो है वो सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है जय जी कि इस देश में कई ऐसी चीज हैं जो सरकार को निर्वहन करना पड़ता है। हम रेलवे में चलते हैं, हम पानी लेते हैं, हम बिजली लेते हैं, हम स्वास्थ्य लेते हैं, हम शिक्षा लेते हैं। ये मौलिक चीज़ें इंसान की जरूरत की वो चीज़ें हैं जिसमें सरकार को अपने स्तर से प्रयास करना है। बहरहाल बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने पिछले 5 सालों के दौरान अपनी ज्यादातर राशि ही अंडरग्राउंड केबल पर खर्च कर दी है, जो कि अब तक संपन्न नहीं हुई है। जाहिर है नई सरकार को ऐसे कार्यों पर भुगतान और कार्य को रोकना होगा। अजय लाल, न्यूज़ 11 भारत, रांची।